होगा सोच के देखो, है ना? 17 पीवी है ना, 18 पीवी है इसमें। बिजनेस वॉल्यूम कितना है सोचो, बिजनेस वॉल्यूम पता है आपको? बताओ, एक पीवी का बिजनेस वॉल्यूम 18 होता है। मल्टीप्लाई करो, मान लेते हैं 17 पीवी, 17 तीन 17, 17 17 कितना हो गया? अपने पास पैसा नहीं, लेकिन बिलिंग कई बार हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ? फील्ड में जाने से हुआ, लोगों को प्लान दिखाने से हुआ, लोगों को डेमो दिखाने से हुआ। और डेमो नहीं दिखाएंगे तो आएगा? और आज के टाइम में हर आदमी हार्ट अटैक का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट। ये मेरा प्रोडक्ट भाई साहब दबा के बेचेगा, जैसे चालोगे वैसे कहेगा दे दो मुझे। दिखाने वाला तो होना चाहिए, गाना वो आता है ना, झुकती है दुनिया, तो मैं कहता हूँ प्लान देखती है दुनिया, दिखाने वाला चाहिए। दिखाने वाला तो बनना पड़ेगा, यस ये नो। और इस प्रेरणा का जो बोलते थे ना, ये काई है, नोनी है, एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बेस्ट बेस्ट यूजर थे, आज वो दुनिया में नहीं है। वो जाते टाइम दुनिया छोड़ने के वक्त स्पीच देते हुए गए, या तो हॉस्पिटल में कभी वो बढ़ते क्या कहते भर्ती हुए हॉस्पिटल गए वो। और इस प्रोडक्ट को लगभग 35 से 40 साल तक वो यूज किया है। ये प्रोडक्ट पता है क्या है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा योगदान देता है, हमारे पूरे शरीर के सेल्स को पोल खोल देता है। सेल्स जो होता है ना, सेल्स जिसका मुंह परत पड़ जाती है, जो हम कुछ भी खाते बॉडी में लगता नहीं है, पेट इतना निकल जाता है, शरीर अल्टर हो जाता है, झुर्रियां हो जाती है, आंखों में पानी निकलने लगता है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है। ये प्रोडक्ट लेना शुरू कर दो, वो प्रॉब्लम से दूर होना शुरू हो जाओगे। आंखों में जो कालापन होता है वो कभी नहीं होगा। इसको मैंने खूब बेचा है, इसको खूब बेचा है, इस प्रोडक्ट को खूब बेचा है। आप कोलेस्ट्रॉल तो भाई साहब जिस घर में जाओ बच्चे को देखे ही आता। इसमें मैंने क्योंकि सप्लीमेंट में ज्यादा काम किया, चाय मेरा था ऐसे बिकता था, चाय पेस्ट के लिए तो हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बारे में बताया कि इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, नहीं है। मैंने इस पे फोकस किया और इस पे वॉल्यूम भी बढ़ाया, अभी भी बढ़ाया। दूसरे का पैसा से मैंने कई बार पलटी करके अपना अपना बिलिंग भी कर लेता था, दूसरे के ऑर्डर लेके आप बिलिंग कर लेता था अपना, और उसका ही बिलिंग हो जाता था, वॉल्यूम बड़े हो जाते थे। आप लोगों ने किया अभी तक ऐसा? कितने लोग किए हो? एक भी नहीं किए हो, क्योंकि मैं शिद्दत से कर रहा हूं। उसका नतीजा क्या हुआ था? एमआरपी भी जो हम लेते थे तो मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाता था, आने जाने का मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो सक्सेस सेमिनार होती है उसका मैं टिकट इसी एमआरपी से बेच बेच के मैंने खरीदा है, और वो टिकट खरीद के लोगों को इनवाइट करते थे। मीटिंगों में सबसे ज्यादा हिस्सा मैंने लिया है। आप ले सकते हो? Yes. ले सकते हो ना? Yes. लेना चाहिए नहीं? Yes. मैं जब जहां भी मीटिंग होती थी मेरे सबसे ज्यादा लोग बैठते थे, क्योंकि मैं फोकस ही ऐसा करता था, लोगों को जा जा के प्लान दिखा दिखा के अपने अपलाइन के बारे में बोल बोल के